नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे पवन केने का परफॉर्मेंस। आप सबको पता है पवन केने गोर से बी टीम से खेलते और अपने अकेले के दम पर पवन केने ने कई मैचेस गोर से बी टीम को जिता कर दिए हैं। पवन केने ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी करते और राइट हैंड से बैटिंग करते और ओपनिंग करना ज़्यादा पसंद करते। तो देखते हैं पवन केने को कितने मैन ऑफ द सीरीज और कितने बेस्ट बैट्समैन के अवार्ड मिले इस सीजन में। इस सीजन का पहला प्राइज पवन केने ने ओवी स्पोर्ट्स कुडूस में जो टूर्नामेंट हुई थी उसमें बेस्ट बैट्समैन का खिताब जीता था। उसके बाद खंबाला ट्रॉफी में भी पवन केने को बेस्ट बैट्समैन का खिताब मिला। उसके बाद कासर वडवली ट्रॉफी में पवन केने ने इस सीजन का पहला मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड अपने नाम किया। उसके बाद एकता ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज दूसरी बार बने पवन केने ने। जैसे कि आपको पता है पवन केने सिटी टेनिस क्रिकेट मावली स्पोर्ट टीम के लिए खेलते हैं। बाबूगांव ट्रॉफी में भी पवन केने को बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड मिला। उसके बाद इंदिरा ट्रॉफी आमनेपाड़ा में भी पवन केने ने तीसरी बार मैन ऑफ द सीरीज बने। उसके लिए स्पोर्ट्स साइकिल थी। बीयूबी ट्रॉफी में पवन केने को बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड मिला। अब देखते हैं पवन केने का चौथा मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड, अमदार ट्रॉफी निम्बोली, जिसके लिए पवन केने को स्कूटी मिली थी। तो यह थे पवन केने के 2020 और 21 का प्रदर्शन और मिले हुए अवार्ड, जिसमें पवन केने ने 4 मैन ऑफ द सीरीज और 4 बार बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड जीता। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। टेनिस क्रिकेट के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट का भी लेटेस्ट अपडेट और जो नए रिकॉर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट के हमारे ओनली क्रिकेट लवर चैनल पे मिलते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।